नमो नमः। विद्यावारती कोटा जनपदे हार्दिक स्वागतम अस्ति। कक्षा अष्टमी पाठ पंचम अद्य वयम् पठिष्यामः। कंटकेन एव कंटकम्, कंटकेन एव कंटकम्, कांटे से ही कांटा निकलता है। यह कथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में परिधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। यह पंचतंत्र की शैली में रचित इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब होता है तेज बुद्धि से, जैसा कि आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याधः। आसीत था कोई चंचल नाम का शिकारी था, पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन स स्वीयां जीविकां निर्वाहयति स्म। पक्षी मृगादीनाम ग्रहणेन, पशु पक्षियों को पकड़ने से सह वह स्वीयां जीविकां अपनी आजीविका का निर्वाह करता था, अपनी आजीविका चलाता था। एकदा स वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक दिन स वने वन में जालम विस्तीर्य जाल को फैला करके घर आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे और दूसरे दिन प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान, जब प्रातःकाल जब चंचल वो शिकारी वनम गतवान वन को गया, तदा स तब उसने देखा दृष्टवान यत तेन विस्तारिते जाले दुर्भाग्यात एक व्याग्रह बद्ध आसीत। उसने देखा कि तेन विस्तारिते जाले, उसके द्वारा फैलाए हुए जाल में दुर्भाग्यात एक व्याघ्र बद्ध आसीत, दुर्भाग्य से एक शेर फंस गया। सो अचिंत्यत उसने सोचा व्याघ्र माम खादिष्यति, उसने सोचा कि ये बाघ ये शेर माम खादिष्यति मुझे खा जाएगा। खा ददा तुए और लृट लगा रहे प्रथम पुरुष एक वचन खादिष्यति। अतएव इसलिए पलायनम करणीयम, अनियर प्रत्येक क्रीडातु करणीयम करना चाहिए, अतएव इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र नी वेदियत नी यहाँ पर यण संधि हो रही है। व्याघ्र व्याघ्र ने निवेदन किया भो मानव अरे मानव कल्याणम भवतु ते, कल्याणम भवतु हो भवतु भवताम भवंतु लौट लगार प्रथम पुरुष एकवचन भू धातु, तुम्हारा कल्याण हो हे मानव तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वम माम मोचिष्यसि, यदि तुम मुझे मोचिष्यसि छोड़ दोगे, तरही तो तरही का मतलब तो अहम त्वाम मैं तुम्हें न हनिष्यामि नहीं मारूंगा। हनिष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन हन धातु लिट लगा रे एक वचन हन धातु। तदा स व्याध तब वह व्याध शिकारी व्याघ्रम, तब उस शिकारी ने उस चंचाम के शिकारी ने व्याघ्रम बाघ को शेर को जालाद बही निरसारियत जाल से बाहर निकाल दिया। बही ये अव्यय है बही बाहर निरसारियत निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसीत बाघ क्लांत थका हुआ था। सोदत उसने कहा उत्व संधि है यहाँ पर उत्व विसर्ग संधि भो मानव अरे मानव पिपासु हम मैं प्यासा हूँ
नद्या जलम आनीय मम पिपासाम समये। नद्यः षष्ठी भक्ति एकवचन, नद्या नदी का, जलम आनीय जल ला करके, आनीय ले प्रत्यय, मम मुझे, मेरी पिपासाम समये प्यास को शांत करो, नदी का जल ला करके मेरी प्यास को शांत करो। व्याघ्र जलम पीत्वा पुनः, व्याघ्र जलम पीत्वा जल को पी करके पुनः जल को पी करके पुनः व्यादम अवदत, बाघ व्याद से शिकारी से उसने कहा, जल पी लिया उसने। अब जल पीने के बाद उसने उस शिकारी से वापस कहा कि समय में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है, सांप्रतम अब भुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ, अस्मि अस्ति इस्त संति असि इस्त इस्त अस्मि स्व इस्म अस्मि, अस धातु लट लगा, उत्तम पुरुष एकवचन, अस्मि हूँ, सांप्रतम भुभुक्षितो अब मैं भूखा हूँ, इदानिम इस समय, अब अहम त्वाम खादिष्यामि मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने क्या कहा, मैं तुम्हें खादिष्यामि खाऊंगा, लट लगा, उत्तम पुरुष एकवचन, खाद धातु, चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान, धर्म का आचरण किया है, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, त्वया मिथ्या वर्णितम, तुमने झूठ कहा, त्वम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो, व्याघ्र अवदत, बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, सुधारताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है, अकरणीय नहीं होता है, जो आदमी भूखा होता है वो सब कुछ कर सकता है, सर्वम स्वार्थ समी हते, सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं, इसलिए भूख के समय कोई भी कार्य अकरणीय नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। धन्यवाद। शेष भाग अगले वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा।